हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों इस खबर में बताया जा रहा है कि पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं एक से, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं खबर के हेडलाइन में साफ साफ बताया गया है कि पॉलिटेक्निक जो परीक्षाएँ हैं वह एक से, यानी एक का अर्थ है 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज है आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर संवाददाता के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, और उसके साथ साथ बताया गया है कि 1.5 घंटा पहले पहुँचेंगे केंद्र पर। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको अगर पेपर देने जाना है तो आपको 1.5 घंटा पहले पहुँचना होगा। दोस्तों आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपके जो डाउट रहेंगे इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। दोस्तों किन स्टूडेंट की बात हो रही है, किनकी जो परीक्षाएँ 1 अक्टूबर से होंगी, इसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों जो है आपको जो 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना पड़ेगा, और COVID-19 को लेकर घोषणा पत्र भरने के बाद ही मिलेगी एंट्री, यानी घोषणा पत्र आपको मिलेगा, यानी उसमें लिखा रहेगा कि आप जो है इस लॉकडाउन में किसी भी कोरोना वायरस के संक्रमित जो व्यक्ति है उससे नहीं मिले हैं, ना ही क्वारंटाइन में रहे हैं। अगर आप इस तरह के कोई भी कार्य नहीं किए हैं तो आपको जो है घोषणा पत्र भरने के बाद आपको एंट्री मिलेगी, यानी आपको पेपर देने जा दिया जाएगा। दोस्तों देखिए बताया गया यहाँ पे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। छात्रों को परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपको पेपर देना है तो आपको जो है परीक्षा केंद्र पर जहाँ भी आपका सेंटर गया है वहाँ पे आपको 1.5 घंटा पहले ही वहाँ पे उपस्थित होना है। और दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि सभी छात्रों को मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर अपना लाना है, यानी आपको क्या है मास्क लगा के जाना है, और उसके साथ साथ आपको अपना एक पर्सनल सैनिटाइजर लेके आना है, ग्लव्स लेके आना है, हाथ में ग्लव्स को पहन के आना है। और दोस्तों इसका आगे बताया गया है कि वहीं घोषणा पत्र भरने के बाद ही उन्हें परीक्षा हाल में प्रवेश मिलेगा। दोस्तों घोषणा पत्र के बारे में जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पर बताया, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना की ओर से मुजफ्फरपुर सहित तमाम केंद्रों निर्देश भेज दिया गया है। छात्रों का एडमिट कार्ड भी बोर्ड ने जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना की ओर से मुजफ्फरपुर सहित तमाम केंद्रों की परीक्षा के लिए निर्देश भेज दिया गया है। दोस्तों की परीक्षाओं को कराने के लिए हमारे बोर्ड द्वारा जो है सभी जो जहाँ भी सेंटर गए हैं वहाँ पर इन सभी बातों का निर्देश भेज दिया गया है कि उनको जो है क्या क्या स्टूडेंट को बताना है, कैसे पेपर दिलवाना है, सभी जो बातें सभी परीक्षा केंद्रों के बता दिया है। और दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि छात्रों का एडमिट कार्ड भी बोर्ड ने जारी कर दिया है, छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि भीड़ न लगे और सामाजिक दूरी का पालन हो सके। यहां दोस्तों यानी कि जो हमारी बोर्ड है उसने परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया है, और दोस्तों उसके साथ साथ जो बोर्ड ने भी बोला है कि 1.5 घंटा पहले परीक्षार्थियों को अपने सेंटर पर उपस्थित होना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर वह 1.5 घंटा पहले से ही बच्चे वहां पर आएंगे तो धीरे धीरे कम बच्चे आएंगे, और एक लाइन से जिससे क्या होगा सामाजिक दूरी का पालन हो सकेगा और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के ही परीक्षा को दिलवाया जाएगा। और दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि सभी परीक्षार्थियों को 6 फीट की दूरी बनाकर रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो आपको एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर ही रखकर आपको आना होगा, जाना होगा, और परीक्षा के हाल के अंदर भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि आप सभी लोग जो है लगभग 6 फीट की दूरी पर ही बैठेंगे। और दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि हाथों को साबुन से साफ कर सैनिटाइज करना होगा, बिना मास्क लगाए किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके पास मास्क नहीं रहेगा तो दोस्तों आप जो है पेपर नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास ये दो चीज़ें उपस्थित नहीं रहेंगी तो आपको हो सकता है पेपर से बाहर भी कर दिया जाए। और दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि परीक्षा खत्म होने के बाद सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हाल से बाहर निकलना होगा, साथ ही छात्रों को घोषणा पत्र भर कर देना होगा कि वे किसी COVID-19 पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी परीक्षा का जब खत्म होगी तो जैसे बच्चे बाहर एक साथ निकलते हैं वैसे आपको नहीं निकलना है, आपको सामाजिक दूरी का पालन करते हुए निकलना है, और आपको लाइन से निकाला जाएगा लगभग 6 फीट की दूरी पर प्रत्येक बच्चे को, जो धीरे धीरे बाहर परीक्षा केंद्र से निकाला जाएगा। और दोस्तों परीक्षा देने के बाद आपको जो COVID-19 का फिर से एक घोषणा पत्र भरना पड़ेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि आप जो है COVID-19 पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आए हैं, यानी आपको यह भी वहाँ पे प्रूफ के तौर पे वहाँ पे देना होगा। और दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि और वे क्वारंटाइन में नहीं हैं, इसके अलावा सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, यानी कि आप जो है अभी तक क्वारंटाइन में नहीं गए हैं और सरकार द्वारा जो भी कोरोना वायरस को देखते हुए नियम बनाए गए हैं आप उनको जो है पालन कर रहे हैं, इन बातों का भी वहाँ प्रमाण आपको सेंटर पर देना होगा। और दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि बता दें कि मुजफ्फरपुर में 2 परीक्षा
परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें नया टोला स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज व बेला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज शामिल हैं। जहाँ दोस्तों मुजफ्फरपुर में जो है दो पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सेंटर बनाया गया है। पहला जो कॉलेज है वह नया टोला स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है और जो दूसरा कॉलेज है वह बेला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज। यानी कि अगर मुजफ्फरपुर में जो पॉलिटेक्निक की परीक्षाएँ हैं उनको देने के लिए दो सेंटरों पर सभी व्यवस्थाएँ की गई हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग देखते हुए सभी COVID-19 में जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उन नियमों को देखते हुए वहाँ पर परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। दोस्तों अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि सर यह जो परीक्षाएँ हैं ये 1 अक्टूबर से किसकी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने अभी ऊपर ही आपको साफ साफ बताया कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना की ओर से मुजफ्फरपुर। एंड दोस्तों आपको पता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना, और दोस्तों पटना कहाँ है, बिहार में। यानी कि हम लोग बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, यानी जो बिहार बोर्ड से बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन लोग शॉर्ट फॉर्म में SBTE पटना भी कहते हैं, यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना भी कहते हैं। यानी दोस्तों यह जो न्यूज़ है, अगर आप BTUP के स्टूडेंट हैं यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए नहीं है। यह जो न्यूज़ है, सभी जो बातें हमने बताई हैं, जो प्रिकॉशन बताया है, वो हमारे SBTE वालों को पालन करना है। यानी बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपके लिए इन बातों को बताया गया है, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम जो है 1 अक्टूबर से होने वाले हैं और BTUP के जो एग्ज़ाम है वो हमारे 25 सितंबर से होने वाले हैं, जैसा कि अभी फिलहाल में ही अपडेट आया था। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके हम जो अपडेट हैं लाते रहते हैं, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट जो है आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा वहाँ पर आपको बुक्स और जो लेटेस्ट न्यूज़ आते हैं उनके PDFs आपको वहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।